सुबह के 9 बजे हैं और हम खड़े हैं इस वक्त अपने होटल की बालकनी में। और दोस्तों, आप ये जो मनभावन नज़ारा देख रहे हो, ये है शिमला का। दरअसल रात को हमने दिल्ली के ISBT से हिमाचल रोडवेज की बस पकड़ी और उसने सुबह 6 बजे हमें शिमला में उतार दिया। रात को बस में नींद बिल्कुल नहीं आई, इसलिए हम सुबह थोड़ी देर होटल में आकर सोए और अब हम जा रहे हैं कुफरी। सबसे पहले हम आए हैं नालदेड़ा। जिस बस से हम यहाँ पर आए हैं, ये हिमाचल टूरिज्म की है। हमने इसे ऑनलाइन बुक किया था। इसके चार्जेस थे पर पर्सन 300 रुपीज़। ये हमें नालदेड़ा, कुफरी और फागू लेकर जाएगी। तो सबसे पहले ये है नालदेड़ा। नालदेड़ा में हमारे पास 1 घंटा था, तो यहाँ पर घूमने के लिए हमने घोड़े किराए पर किए। लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक था, तो मैं तो उतरकर पैदल ही चलने लगा। साथ ही मुझे लगा कि ये घोड़ों पर भी अत्याचार हो रहा था। और यहाँ पे और इस तरह से इसका बुकिंग जाता है यहाँ पे। ये कैरी मनी का दिक्कत नहीं है, तो इतना सा बंडल बनेगा, अभी का अभी पैक करके देंगे, साथ लेके जा। और शिमला में हमने अपना पहला लंच किया कुफरी के इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में, जो हिमाचल टूरिज्म द्वारा बनवाया गया है। अरे बाप रे, भाई साला का तो। जब कुफरी जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसे कहते हैं ग्रीन वैली। तो यदि आप शिमला से कुफरी जाएं, तो इसे रास्ते में रुककर जरूर देखें। यह है ग्रीन वैली। फ्रेंड्स, ये है फागू वैली। यदि आप भी मेरी तरह नेचर लवर हैं, तो ये नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपका दिल करेगा कि बस घंटों खड़े होकर चुपचाप इसे निहारते रहें। तो ये है फागू वैली। वापसी में बस ने हमें लिफ्ट के पास ड्रॉप किया। लिफ्ट से चढ़कर हम ऊपर माल रोड पर आ गए। अब हमें चर्च के पास से टैक्सी पकड़नी थी, जो हमें लेकर जाएगी जाखू टेंपल। तो चलिए अब चलते हैं जाखू टेंपल। जाखू टेंपल से सूर्यास्त का ये अद्भुत नजारा। सीकिंग हिज ब्लेसिंग एट द जाखू टेंपल। और रात के समय ये शिमला की, हमारे शिमला टूर का पहला दिन यहीं समाप्त होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू इट नाउ।